पकौड़े खाना किसे पसंद नहीं होता, पकौड़े का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या किसी ने कभी सोचा था कि एक दिन पकौड़ा भी राजनीति की कढ़ाई में तला जाएगा? कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? जी न्यूज पर 19 जनवरी 2018 को पीएम मोदी के इस जवाब पर विपक्ष ने महीनों तक इस बात का बतंगड़ बनाया था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक पे मजाक उड़ाया जा रहा था। लेकिन अब 2019 के लिए विपक्ष के महागठबंधन की सबसे बड़ी उम्मीद ममता बनर्जी को भी ये बात समझ में आई है कि पकौड़े हो या चाय, इनमें भी रोजगार देने की ताकत है। ममता बनर्जी ने उदाहरण के तौर पर अपने घर के पास बने एक छोटे से दुकानदार का जिक्र किया। ममता बनर्जी ने कहा, कोई काम छोटा नहीं होता है। उनके घर के पास एक छोटे से पकौड़े के दुकानदार ने 3 मंजिला घर खड़ा कर दिया है।